हफ्ते संडे मार्केट में शॉप लगती है, तो उसका आज वीडियो सेपरेट वीडियो ही है। ये आपको मिक्स वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें मैं आपको मॉलीज फिशेज वगैरह सारा चीज़ें दिखा देता हूँ और फिर बाकी बात करते हैं प्रशांत भाई से। ये टैंक्स है, ये सबसे लास्ट साइज है इनका। इसमें भी आपको साइजेस मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे। ये देखिए फिश पॉट, ये फिश बाउल। इसकी प्राइस मैं बताता हूँ आपको प्रशांत भाई से मिलके। और ये इनके एक्सेसरीज है, ये देखिए ये टर्टल फूड्स है। और बाकी ये एक्सेसरीज है, जैसे ये पंप है, ये लाइट्स है, और ये सारा पंप्स, वायर, पाइप, स्टोन्स, फिशेस के ये फूड, ऑप्टिमम का, ये सारे कंपनी के फूड्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। आप प्रशांत भाई से मिल रहे हैं, फिश एक्वेरियम वाले, तो इनसे जानते हैं फिश के बारे में, इनसे नाम लेते हैं, डिटेल्स लेते हैं और फिश के बारे में थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो है ये आपके लिए, व्यूवर्स के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में जो फिश लवर है उनके साथ में। तो वेलकम प्रशांत भाई आपका चैनल पे, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। होम एक्वेरियम एंड पेट शॉप मेरा शॉप है जी, होलसेल रिटेल काम करते हैं जी। आपको हर प्रकार की फिशेज मिल जाएंगी मेरे पास जी। ब्रीडिंग फिश हम लोग कुछ मछलियाँ ब्रीडिंग भी करते हैं उनसे। हाँ, तो अभी जैसे ऑस्कर की ब्रीडिंग हो रही है। हाँ, तो ऑस्कर का ब्रीडिंग अगर जैसे 1 इंची तक के साइज रहता है। हाँ, तो हम लोग 60 रुपये पेयर, 80 रुपये पेयर बेचते हैं। वो साइज ऐसा है कि क्वांटिटी के ऊपर रहता है, जितना ज़्यादा ब्रीड करता है ब्रीडिंग के ऊपर हमारा मार्जिन रहता है जी। कम ब्रीडिंग होता है तो फिर उसमें मार्जिन हमारा कम रहता है, कम लागत रहता है। तो आपके घर में क्या, जैसे मौली का ब्रीड हुआ है हमारा। हाँ, तो मौली मेरे पास में 10 रुपये 15 रुपये से लेकर जंबो मौली मेरे पास में 5 से 6 इंच तक का मौली है, जो आपको नागपुर में कहीं नहीं मिलेगा है ना। और बेस्ट प्राइस तो आप ही के पास है, क्वालिटी मेंटेन करते हैं सर हम, सस्ते के पीछे कभी नहीं आते। सस्ते के पीछे नहीं, कस्टमर को हम बोलते हैं सस्ता कभी लेना नहीं, सस्ता कभी अच्छा नहीं होता और अच्छा कभी सस्ता नहीं, सस्ता नहीं होता बेशक। और आपके फिशेज के बारे में बता दीजिए एक रेंज। मेरे पास में 20 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की फिश है ना। उसमें कौन सी वैरायटीज है? सभी वैरायटीज है मेरे पास में, मॉली से लेकर, कलर विडो से लेकर, गोल्ड से लेकर, ऑस्कर, फ्लावर हॉर्न। अभी मैंने इसके पहले में अभी ब्रीड हुआ था मेरे पास में, कहते ऑस्कर का ब्रीड हुआ था। हाँ, फ्लावर हॉर्न के बेबीज मिल जाएंगे मेरे पास में, फ्लावर हॉर्न के बेबीज 200 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको अरवाना फिश चाहिए तो अरवाना मेरे पास में 1000 रुपये से अरवाना मिल जाएगा, जो मार्केट में 2500 रुपये जी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दे दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9156496363। ये तो एक जो ये आपने स्टॉल लगाई है, ये स्टॉल किस पर्पस के लिए लगाई है आपने? ये लोगों को नॉलेज देने के लिए लगाई है, लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। लोग बाउल के अंदर में गोल्ड फिश पालते हैं और बोलते हैं कि बाउल के अंदर गोल्ड फिश रहता है, नहीं गोल्ड फिश नहीं रहता है बाउल के अंदर में। गोल्ड फिश को ऑक्सीजन लगता है, उसको वाटर के अंदर ऑक्सीजन देना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन मशीन लगाना पड़ता है। बाकी जो मछली जैसे मौली हो गया, टेट्रास हो गया, बेटा फिश हो गया, ये आप बाउल के अंदर रख सकते हैं जी। व्यूवर्स होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ आती है फिश पालने में, जैसा कि उनके घर पे लेके जाने के बाद में कुछ दिनों में फिश मर जाती है। हाँ, फिश मरने का मेन कारण आपको बताना चाहता हूँ, लोग क्या करते हैं भावुक होते हैं। भावुक मतलब कि मछली भूखा तो नहीं रहेगा, उसको बार बार खाना खिलाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा केयरिंग करने के चक्कर में क्या होते हैं, वो ओवर फीडिंग करा देते हैं जी। ओवर फीडिंग के कारण मछली डेड होता है। अच्छा, तो एक नॉर्मल फिश के लिए क्या फूड बेस्ट होता है, मतलब खिलाने का अमाउंट? आप कोई भी फूड खिलाइए, उसके बैक साइड में आप देख लीजिए कि भाई उसके अंदर में प्रोटीन कितने परसेंट है। कम से कम मिनिमम 40% प्रोटीन वाला फूड दीजिए मछली को। अच्छा, और जो 28% प्रोटीन रहता है वो फूड मत दीजिए।
उसमें प्रोटीन में जैसा है मछली ब्रीड नहीं कर पाता है जी। अच्छा प्रोटीन वाला फूड खिलाएंगे, जितना अच्छा प्रोटीन देंगे उतना मछली हेल्दी रहेगा। और क्या बताना चाहोगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये कहता हूँ आप मछली को अच्छा रखिए, पूरा पानी क्लीन ना करिए टैंक का, 10% वाटर आप स्टोर, जो जब भी टैंक क्लीन करते 10% वाटर निकाल कर रखिए, 90% वॉश करके फेंक दीजिए, और जो 10% पुराना वाटर है वो डालिए, उसमें 90% नया पानी डालिए। इससे क्या होता है, जो पानी के अंदर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है वो क्रिएट करना ही पड़ता है उसको, मछली को हेल्दी रखने के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती ही है। और टैंक की रेंज बता दीजिए। मेरे पास में 50 रुपये से लेके 10,000 तक के टैंक। ऑर्डर्स वगैरह भी सारा चीज़ें लेते हो आप? होम डिलीवरी भी होता है, हम जैसे इम्पोर्टेड टैंक्स वैंक्स बनाते हैं। हाँ, सभी प्रकार के टैंक्स, सी टाइप सभी प्रकार के टैंक्स बनाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रोसेस है आपके पास में? नागपुर के अंदर में फ्री सर्विस रहता है हमारा, नागपुर के बाहर में एरिया के हिसाब से रहता है कितना दूर है, कितने किलोमीटर है जी, उस हिसाब से। और जैसा आपके घर पे फिशेज का कुछ ब्रीडिंग सेटअप वगैरह है क्या? हाँ, ब्रीडिंग सेटअप है, लेकिन उसका एक सेपरेट रूम होता है, क्योंकि मछलियों को जब हम ब्रीड करते हैं तो उनको एक सेपरेट जगह लगती है। हाँ, और हम अगर उसमें बार बार आना जाना करेंगे तो ब्रीडिंग नहीं करते हैं, कुछ मछली होती है जो खुद की एग भी खा लेता है। अच्छा, उसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है। और ऑर्डर्स पे टैंक्स लेते हो तो क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब पहले कुछ अमाउंट लेते हो एडवांस पे तौर पे? एडवांस अगर मटेरियल में लाऊंगा तो मेरे एडवांस तो लगेगा जी। यही था वीडियो, और काफ़ी अच्छा नॉलेज है प्रशांत भाई को, और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। मेरे पास में जैसे मार्केट में 50 रुपये पैकेट का स्टोन मिलता है, मेरे पास में 20 रुपये पैकेट से स्टोन है। अच्छा, एक्चुअली मैं फुटपाथ पे क्यों लगाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो मैं अगर यही शॉप को मैं किसी शॉप में खोलूँगा जी, मुझे वहाँ रेंट देना पड़ेगा जी, वो रेंट मेरा बचेगा, वही रेंट का पैसा मैं यहाँ कस्टमर में कम कर देता हूँ, वो मार्जिन में कम कर देता हूँ तो कस्टमर के पास नहीं आता है जी। तो ये मतलब बेस्ट वे रखे हो आपने? हाँ देखो, सबका बेचने का तरीका अच्छा होता है, सब अपने अपने तरीके से बेचते हैं। हाँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलता कि ना शॉपकीपर वाला गलत है ना मैं गलत हूँ, मैं अपने तरीके से बेच रहा हूँ। हाँ, मुझे मेरी आदत है, मैं उठता हूँ, हम कस्टमर को जोड़ते हैं हमारा। हाँ, मेरा एक मकसद ये है कि जो ये हॉबी है फिश की, ये हॉबी कहीं ना कहीं टूट रही है। हाँ, तो मैं फुटपाथ पे लगा के लोगों को मछली के बारे में नॉलेज देता हूँ कि मछली को रखा कैसे जाता है, कौन सी मछली बाउल में रहेगा नहीं रहेगा, ये पूरा नॉलेज देता हूँ उनको किस तरीके से रखा जाता है। इन नॉलेज देने से क्या होता है, ये हॉबीस्ट बढ़ते हैं। हाँ, अब वो चाहे वो मेरे पास से परचेस करें या किसी और से परचेस करें, हॉबीस्ट बढ़ेंगे तभी तो बिजनेस बढ़ेगा जी, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का हो। अगर आपके पास से फिश बढ़ेगी तो फूड सेल होगा। तो मेरे पास में देखिए ऐसा है कि जब कस्टमर मेरे पास से परचेस करता है। हाँ, तो उसके पास में मछली उसके यहाँ टिकती है, हम उसको सही नॉलेज देते हैं ना। हाँ, जब कस्टमर, आप कोई भी एक छोटा बच्चा है अगर वो क्लासेस जाता है पढ़ता है तो वो नॉलेज आएगा तभी वो कर पाएगा ना। हाँ, और नॉलेज ही नहीं रहेगा तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली फुटपाथ के ऊपर में कई लोग क्या करते हैं, बाउल के अंदर में गोल्ड फिश डाल देते हैं जी, पानी के अंदर में नॉर्मल थोड़ी देर का ऑक्सीजन रहता है मछली के लिए, मछली जिंदा रहती है, वो घर ले जाते हैं पालते हैं खाना डालते हैं दूसरे दिन मर जाता है, तो वो टूट जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम मछली लाते हैं हमसे मछली मर जाता मर जाती है, तो वो हॉबीस्ट खत्म हो जाता है, मतलब वो पालना ही नहीं चाहता। सही बात है। तो हम उसको नॉलेज सही देते हैं कि भैया कौन सा मछली बाउल में रहेगा, कौन सा फिश टैंक में रहेगा, किस तरीके से उसको रखा जाता है, कौन सा ऑक्सीजन वाला है, कौन सा बिना ऑक्सीजन वाला है, कौन सा बिना ऑक्सीजन वाला है। तो जब हम नॉलेज देते हैं तो कस्टमर को पसंद आता है, जब कस्टमर रखता है तो उसका मछली टिकता है। हाँ, तो जब मछली टिकता है तो फोन करके आता है कि सर अभी आपका शॉप कहाँ पर है। हाँ, तो शॉप के बारे में बता दीजिए कि आपकी और ये जो नॉलेजेबल शॉप है तो ये कहाँ कहाँ पे लगती है? अपना सर नागपुर में के दिन अपना सुबह 6-7 बजे से लगता है। हाँ, न्यू ईरा हॉस्पिटल पक्षी बाजार में जी, 12 बजे तक का शॉप का टाइमिंग है जी, 1 बज जाता है दुकान बड़ा क्लोज करते। हाँ, उसके बाद में मेरा मंडे के दिन ऑफ डे रहता है। हाँ, ट्यूसडे के दिन मेरा आर्य समाज मंदिर सदर बाजार, वहाँ पर मेरा 2 बजे से शॉप रहता है, रात को 10 बजे तक के, 10:30 बजे तक के भी आएंगे तो मैं मिल जाता हूँ। फिर उसके बाद में वेनसडे के दिन मेरा फ्रेंड्स कॉलोनी गंगानगर मार्केट टावर वाली लाइन जी, वहाँ पर रहता है मेरा शॉप। उसके बाद में मेरा गुरुवार का ऑफ डे रहता है। फिर फ्राइडे के दिन मेरा सदर बाजार आर्य समाज मंदिर के पास में रहता है। फिर उसके बाद में सैटरडे मेरा सुगत नगर बुद्ध विहार के सामने रहेगा जी। फिर संडे के दिन फिर यही रहता है ना। तो पॉइंट ये बता दीजिए कि जो साथ में रहने वाली फिशेस है उनके बारे में बता दीजिए, और जो मतलब साथ में नहीं रह सकती, जो फाइट करती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज डिटेल्स दे दीजिए।
ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने मुझे। कई लोग क्या करते हैं, चिकलेट फिश लाते हैं, ऑस्कर फिश लाते हैं, ऑस्कर के साथ में गोल्ड को डाल देते हैं तो ऑस्कर गोल्ड को मार देते हैं जी। तो आप चिकलेट पाल रहे हैं तो या तो पूरा चिकलेट वैरायटी पालिया, और आप अगर गोल्ड पाल रहे हैं तो गोल्ड वैरायटी पालिए। गोल्ड वैरायटी में बहुत सारी गोल्ड होते हैं, रेड कैप गोल्ड होता है, शुभम किंग गोल्ड होता है, ब्लैक मोर के नाम का ब्लैक गोल्ड जिसको बोलते हैं लोग वो होता है ना, फिर ओरेंडा गोल्ड होता है, कॉस गोल्ड होता है। ये गोल्ड वैरायटी की फिश रखते हैं तो आप गोल्ड रखिए। और गोल्ड वैरायटी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल्डन कलर का कोई कार्प आता है जी। तो कई लोग कोई कार्प रख देते हैं, वो थोड़ा लंबा सा मछली होता है। तो कोई कार्प अगर डालोगे तो कार्प प्रजाति क्या करता है, गोल्ड को अटैक करता है, वो थोड़ा सेमी एग्रेसिव होता है। अच्छा, तो गोल्ड के साथ में कार्प प्रजाति ना रखें, मेरा सजेशन है कि ना ही रखें, क्योंकि वो जब अटैक करने पर आता है तो गोल्ड को मार देता है। अच्छा, और उसके साथ में आप मौली ना डालें। अगर आप मौली डालते हैं तो मौली की एक आदत ये रहती है वो पीछे से पिंचिंग करता है। अच्छा, तो मतलब गोल्ड फिश के लिए फिश रख रहे हैं आप, गोल्ड फिश के साथ में आप गोल्ड वैरायटी रखिए। गोल्ड के साथ में आप शकर कैट जरूर डालिए, क्योंकि शकर कैट का मेन रोल ये रहता है कि पानी के अंदर में जो मछली खाना खाता है पॉटी होता है उसमें अमोनिया लेवल बढ़ता है, अमोनिया को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा रोल निभाता है शकर कैट। तो शकर कैट का ओरिजिनल नाम प्लेको फिश है, प्लेको फिश है। लोगों को जैसे कुछ शकर कैट बोलते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये काफी मतलब काफी हाई लेवल का नॉलेज है प्रशांत भैया को, और इनसे कोशिश करें, एक और नॉलेज देता हूँ, कोशिश करें जब आपका शकर कैट बड़ा हो जाता है तो आपने जहाँ से परचेस किया है उसी शॉपकीपर को आप उसे वापिस करें। रीजन क्योंकि कई लोगों के पास शकर कैट बड़ा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, नदी तालाब में छोड़ देते हैं। शकर कैट क्या होता है, एक बड़ा एज होने के बाद में जब उसे गंदगी खाने नहीं मिलता है तो मछलियों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जैसे हम नॉर्मली अपने तालाब और नदियों में अगर उसे छोड़ते हैं तो वो जो अपने गावरानी कुदरती मछलियां होती है वो उनको खाना शुरू कर देता है। अच्छा, तो उससे कैसा है, अपना वातावरण में बहुत फर्क पड़ता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका जैसे शकर कैट बड़ा हो जाता है तो जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास भी आप रिटर्न करें। उनसे पहले जब आप खरीदते हैं तो उनको बोलिए कि जब हमारे पास बड़ा हो जाएगा तो सर हम आपको वापस करेंगे। वो आपको बोलता है कि ठीक है सर हम लेंगे, तो आप उनसे परचेस करें। रीजन आप उनको वाइल्ड में छोड़ेंगे तो वाइल्ड में अपने वाइल्ड को नुकसान करेगा। और तो यही था, काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल वीडियो बना है ये। और मैं तो आपको बोलना चाहूँगा कि फिश लेना है तो प्रशांत भैया से ही ले, ताकि ये वीडियो देखने बाद तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। देखिए मछली लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। हाँ। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे नंबर पे आप फोन करिए जी। मेरे पास कस्टमर रहेंगे, उस समय मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कस्टमर जाने का कॉल बैक जरूर करूंगा आपको। मेरा फिर से नंबर बताता हूँ, 9156496363। दूसरा नंबर है 9112233769। नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको फिश से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या फिर कुछ भी हो चाहिए, आप नॉलेज ले लीजिए। तो आपको जब आपको नॉलेज अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक मुझसे फिश खरीदेंगे। तो यही था, काफ़ी अच्छा है ये, करिए इनसे कॉन्टैक्ट और बढ़ाइए फिश का शौक। तो यही वीडियो को एंड करते हैं प्रशांत भैया। बिल्कुल, तो चलिए नेक्स्ट वीक में इससे और अच्छा नॉलेज देंगे आप। अच्छा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो फिश लवर है और जिन्हें फिश संभालने में तकलीफ आ रही है। तो ये वीडियो शेयर करिए, हाँ ये वीडियो शेयर करिए उनको, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते प्रशांत भैया, थैंक यू।